दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गोसी वेबसाइट के बारे में। ये क्यों ज़रूरी है हम लोगों के लिए, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, ये सब सारी बातें मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए दोस्तों अगर आप भी सऊदी अरबिया में रहते हैं तो आज का वीडियो आप खास कर देखिए और आप समझिए कि गोसी वेबसाइट एक्चुअली में है क्या दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज मैं देरी नहीं करता हूँ और शुरू करता हूँ आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो दोस्त पहली बार आए हमारे चैनल पे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए रेड कलर बटन पे क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, उस नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इसी तरह से यूजफुल वीडियो बनाते रहता हूँ। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं गोसी वेबसाइट के बारे में। क्योंकि अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं तो आप आपका हमारा हम सभी का दोस्तों गोसी में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस कंपनी में काम करते हैं या आप किसी कफिल के अंडर में काम करते हैं तो आपको कंपनी के साथ या आपके कफिल के साथ जो भी एग्रीमेंट होता है दोस्तों, तो वो एग्रीमेंट जो है हमें गोसी में देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पुराना एग्रीमेंट ख़त्म होता है और कोई न्यू एग्रीमेंट आपके साथ में हो रहा है दोबारा से, तो वो एग्रीमेंट भी आपको गोसी में देखने को मिलेगा। तो अगर आपका गोसी में रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा दोस्तों तो आप अपना एग्रीमेंट नहीं दे सकते हैं और अपना एग्रीमेंट आप नहीं पढ़ सकते हैं और आपको कुछ भी मालूम नहीं चलेगा कि आपका एग्रीमेंट में क्या है क्या नहीं है। इसलिए अगर आप गोसी में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप इत्मीनान से अपना एग्रीमेंट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में अगर सब कुछ सही रहा, सैलरी वगैरह डेट वगैरह जब सब कुछ सही है, तो आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर इनके कुछ प्रॉब्लम है आपका एग्रीमेंट में तो अपना कफिल से या अपना कंपनी से बात करके उसे ठीक भी करा सकते हैं। ओके, अब मैं बताता हूँ कि अगर आपका गोसी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप गोसी में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको अभी ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे, अब समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह से गोसी वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। यह क्रोम ब्राउज़र, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर लिखिए आप गोसी GOSI। ठीक है, ये आपको सामने आ गया दोस्तों। इस तरह से आप इस पर क्लिक करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर लिखा हुआ रजिस्टर, ठीक है, आप इस पर क्लिक करिए। अगर दोस्तों अगर आपका पहले से गोसी में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो सिंपल यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना दोस्तों, आपको यहाँ पर आना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एज ए कंट्रीब्यूटर और नीचे लिखा हुआ रजिस्टर, ठीक है दोस्तों, आप इस पर क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कामा नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अभी आपको पासवर्ड डालना है, उस पासवर्ड को आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी से अपना सब कुछ फिल कर देता हूँ। अकामा नंबर डालने के बाद में अभी ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। ईमेल एड्रेस डालने के बाद दोस्तों अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको जो पासवर्ड चाहिए दोस्तों, आप पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए यहाँ पर ही। तो जैसे मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, लिखने पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड लिखने के बाद में आपको जो कैप्चा जो है आपको यहाँ फिल कर, यहाँ पर लिखा हुआ 5671, आपको सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है 5671। ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। पर अब यहाँ पर आपका कामा नंबर शो कर रहा है, ईमेल एड्रेस शो कर रहा है, मोबाइल नंबर शो कर रहा है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको भी अब शेर से OTP आएगा। ठीक है, जैसे मेरा OTP आ चुका है दोस्तों 4829, तो मैं डाल लेता हूँ उसको 4829। OTP लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ जो रिक्वेस्ट टू एक्सेस गोसी ऑनलाइन अकाउंट हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, मतलब कि मेरा गोसी वेबसाइट में मेरा जो अकाउंट है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ओपन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करना है, अगर आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ लॉग इन नाउ, तो इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करना दोस्तों, आपके सामने फिर से इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इंडिविजुअल में आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको नेशनल आईडी डालना है। देखिए मैंने जो अभी रजिस्ट्रेशन किया दोस्तों, मैंने अपना पासवर्ड इसमें सेव कर दिया था, इसलिए ये ऑटोमेटिक आ चुका है। तो इसमें मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो है आईडी ओपन हो जाएगा। ठीक है, मुझे सिर्फ यहाँ पर अपना कैप्चा फिल करना 3163। कैप्चा लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपल लॉग इन पर क्लिक करूँगा, मेरा गोसी वेबसाइट ओपन हो गया। मेरा कंट्रीब्यूटर नंबर लिखा हुआ है, मेरा कामा नंबर, मेरा इसमें ज्वाइन डेट लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है, टोटल चीज़ मेरा यहाँ पर ही सब कुछ लिखा हुआ है। इसी तरह आपका भी इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों।
तो फिर जब जब इसके बाद जब दोबारा आपको कोई एग्रीमेंट वगैरह आप कंपनी तरफ से आएगा तो आपको इसी में देखने को मिलेगा। आप अपने एग्रीमेंट पढ़ के इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या कोई प्रॉब्लम होने से आप उसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये था सिंपल तरीका गोसी में अपना रजिस्ट्रेशन करने का। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको अपना गांव नंबर, ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और आपका गोसी पर रजिस्ट्रेशन हो जाए। और मैं यही कहूँगा दोस्तों, आप जितना जल्दी हो सके उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि ये हम लोगों का काम का चीज़ है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है या आपका मन किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट जरूर से रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो नीचे दिए गए रेड कपड़ा पे क्लिक करें, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल कपड़ा पे क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग यूजफुल टॉपिक पर वीडियो बनाते रहता हूँ। And thanks for watching this video. Bye bye and take care.